अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन मेनियाज। तो आज की वीडियो 2021 में आने वाले एडवांस टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन्स पर होने जा रही है, जो आपको बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलेंगे 2021 में। अगर आपको स्मार्टफोन नहीं भी परचेस करना तो फिर भी आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैंने आपको 2021 में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स दिखाए हैं, जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे और आप इनकी प्राइस सुनकर हैरान हो जाएंगे। और मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ 3 ब्रांड्स के स्मार्टफोन ही दिखाए हैं, जो 2021 में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले हैं। वो कौन से 3 ब्रांड्स हैं, आप मुझे वीडियो देखने से पहले कमेंट करके बता दें। अगर आपका कमेंट सही हुआ तो मैं उसको अगली वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा। आज की वीडियो भी मैं फेस कैम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं अब से कोशिश यही किया करूँगा कि फेस कैम वीडियो बनाऊँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने कभी भी फेस कैम वीडियो नहीं बनाई है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आइए मारते हैं अपना डायलॉग और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट नंबर पे हमने सैमसंग को रखा है। अगर आप सैमसंग के लवर हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और मुझे कमेंट करके भी बता दें कि मैं सैमसंग का लवर हूँ। सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 2। गाइज, इस स्मार्टफोन के फीचर्स ऑसम हैं। इस स्मार्टफोन को आप फोल्ड कर सकते हैं और ये कैसे फोल्ड होता है उसका ट्रेलर आप देख सकते हैं। तो गाइज, इस स्मार्टफोन में आपको 12 GB की रैम देखने को मिलेगी और साथ में आपको 256 GB की बिल्ट इन मेमोरी भी देखने को मिलेगी, जो काफी ज्यादा है। और इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है। इसका मेन बैक कैमरा आपको 12 MP का देखने को मिलेगा और साथ में आपको 10 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जो काफी अच्छा होने वाला है। और गाइज, इसकी डिस्प्ले साइज आपको 7.6 इंच की देखने को मिलेगी और साथ में आपको 4500 mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी और इसमें 3.0 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉयड 10 OS के साथ देखने को मिलेगा। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको इस मोबाइल के बारे में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी इसकी पूरी डिटेल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो इसके फीचर्स आपको मैंने शॉर्ट में बता दिए, तो आपने देखिए इसके फीचर्स कितने औसम थे। और फीचर्स औसम होने के साथ ये मार्केट में 3,40,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाला है पाकिस्तानी मार्केट में। तो गाइस, सेकंड नंबर पे हमने हवावे को रखा है। अगर आप हवावे के लवर हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और हमें कमेंट करके भी बताएं कि मैं हवावे का लवर हूँ। हवावे की तरफ से आने वाला हवावे मेट वी। तो गाइज, इस स्मार्टफोन के फीचर्स और भी ज्यादा औसम है, पर गाइज इसके फीचर्स ऑसम होने के साथ ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली भी है। तो गाइज, मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी मैं वीडियो ट्रेलर भी लगा दूंगा। उस वीडियो ट्रेलर को आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो ये इतना महंगा भी है। तो गाइज, अब थोड़ा सा मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में बता देता हूँ। इस स्मार्टफोन में आपको 12 GB की रैम देखने को मिलेगी और साथ में आपको 512 GB की बिल्टन मेमोरी भी देखने को मिलेगी, जो काफी ज्यादा है। और इसमें भी ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है। इसका मेन बैक कैमरा 48 MP का देखने को मिलेगा और इसमें फ्रंट कैमरा आपको 10 MP का देखने को मिलेगा और इसका डिस्प्ले साइज 8 इंच का देखने को मिलेगा। और इसमें बैटरी भी काफी ज्यादा लगाई गई है, जो 5000 mAh की होगी। और इसमें 2.8 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर भी लगाया गया है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10.0 OS के साथ देखने को मिलेगा। इसके आपको और भी मालूमात जाननी है तो आप YouTube पर देख सकते हैं। और ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में
360,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाला है 2021 में। तो गाइज मैंने आपको दो ब्रांड्स तो बता दिए हैं, सैमसंग और हवावे। तो गाइज अब बचता है एक ब्रांड जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, पर उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बता दें अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो। तो गाइज थर्ड नंबर पे हमने ओप्पो को रखा है। अगर आप ओप्पो के लवर हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो एक्स 2021, तो इसके फीचर्स और भी ज्यादा ऑसम है और आप इसके ट्रेलर भी देख सकते हैं कि इसमें कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है। तो अब मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपको 12 GB की रैम देखने को मिलेगी और इसमें आपको 256 GB की बिल्ट इन मेमोरी भी देखने को मिलेगी और इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है। इसका मेन बैक कैमरा 64 MP का देखने को मिलेगा और इस फोन में आपको फ्रंट में 16 MP का सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा और इसमें डिस्प्ले साइज आपको 7.3 इंच का देखने को मिलेगा और इसमें 2.8 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 OS के साथ देखने को मिलेगा और इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी। तो गाइज मैंने आपको इस स्मार्टफोन के बारे में भी बता दिया है, अगर आपको इसकी और भी मालूमात जाननी है तो आप YouTube पर देख सकते हैं। और ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में 2,90,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाला है पाकिस्तानी मार्केट में। तो गाइज आज की वीडियो में आप लोगों ने देखे 2021 में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले स्मार्टफोन जो थोड़े कॉस्टली भी हैं, पर मैं उम्मीद करता हूँ के जो मैंने आपको स्मार्टफोन दिखाए हैं उनकी प्राइस सुनकर और उनके अंदर लगाए जाने वाली टेक्नोलॉजी को देखकर आप ज़रूर हैरान हो गए होंगे। तो गाइज प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी 2021 में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स देख सकें। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा ब्रांड पसंद है और साथ साथ आप मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया आज की वीडियो में। तो गाइज आज की वीडियो बस यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Oh,